ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड, यू आर वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे बीएमडी क्वेश्चंस यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का सेकेंड टॉपिक गॉस लॉ एंड इट्स अप्लीकेशन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन आपका इसी सेट से रहेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल को देखने के बाद मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाइएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का मोटिवेशन आप लोग को मिलता रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहल का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी प्लेट के आवेश के पास में लाने पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। दोस्तों, यदि किसी प्लेट को हम पास में लाएंगे, यदि किसी मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है और यहाँ पर कोई प्लेट को हम रख देते हैं, और इस प्लेट को हम क्यू चार्ज के पास में लाएंगे, तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी प्लेट को आवेश को दूर ले जाने पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। दोस्तों, यदि किसी आवेश को मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश है और यहाँ पर कोई प्लेट रखा हुआ है, अब इस आवेश यहाँ से कोई आवेश से यहाँ पर प्लेट को हम दूर की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होता है वो डिक्रीज करता है यानी घटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। दोस्तों, विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, यह एक अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक हम जानते हैं फाई बराबर, यहाँ पर हम जानते हैं कि फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डी ए। अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी एस को क्या बोलते हैं, प्लेट का क्षेत्रफल। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर। मीटर यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी दोनों लेंथ है, तो यानी एल गुणे एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। लेंथ को किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में, तो यानी क्या हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ए नंबर ऑप्शन दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन से कि विद्युत फ्लक्स का बीमा होता है। दोस्तों, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ई डॉट डी ए, या इतना हम तो जान चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है यानी न्यूटन पर कूलम, यानी यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणे बी। अब देखिए, यहाँ पर दोनों तो लेंथ है, यहाँ पर न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पर आवेश का क्या होता है, ए टी होता है, या यहाँ पर दोनों लेंथ है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब देखिए, तो यहाँ पर एम एल क्यू हो जाएगा, यहाँ पर एल में एल स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एल क्यू, और टी माइनस यहाँ पर टी को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। तो ये ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है एम एल क्यू टी माइनस थ्री टी माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। यदि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई प्लेट को हम रख देते हैं, वो भी कैसे रखते हैं, प्लेट को लंबवत रखा जाता है, यहाँ पर लंबवत रखा जाता है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होता है, इधर के तरफ होता है। इस प्लेट को हम लंबवत रखे थे, इसके रिस्पेक्ट में कितना, यानी भी यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, फाई मिनिमम बराबर, यानी ई डॉट फाई मैक्सिमम बराबर क्या होता है, विद्युत एक समय यहाँ पर फाई मिनिमम बराबर ई डॉट डी ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए तो वहाँ पर क्या होगा। अब मान लेते हैं सपोर्टेड, यहाँ पर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई प्लेट को रख देते हैं, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई प्लेट को हम समांतर रखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्लेट है, इसको समांतर रख दिए, तो यहाँ पर जो फ्लक्स का मान होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा, यहाँ पर फाई मिनिमम का वैल्यू क्या होता है, 0 होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर क्या होता है ए, क्योंकि कोई भी समांतर लाइन रहती है तो उसके रिस्पेक्ट में एंगल कितना बनता है 0 डिग्री, यानी फाइ मिनिमम का वैल्यू क्या होता है हो जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये गॉस का नियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों गॉस का नियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑप्शन दिया है बंद पृष्ठ, खुला पृष्ठ, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि गॉस का नियम का अप्लीकेशन होता है सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर, यानी बंद पृष्ठ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान कितना गुना होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि किसी क्लोज सर्किट से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान 1/1 साइलेंट गुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के अंदर 2 आवेश और त्रिभुज के बाहर 1 आवेश और त्रिभुज से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान क्या होता है। यानी मान लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है, इस त्रिभुज को पॉइंट देते हैं ए बी सी और तीस त्रिभुज के अंदर 2 चार्ज को रखा हुआ है Q1 और Q2। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो हम जानते हैं कि कुल फ्लक्स कितना गुजरता है 1/1 साइलेंट गुना होता है, तो Q1 प्लस Q2 ये कितना गुना कर देंगे 1/1 साइलेंट गुना कर देंगे, यानी Q1 प्लस Q2 के कितना गुना 1/1 साइलेंट गुना, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 / εo। तो ऑप्शन नंबर कितना दिया है Q1 प्लस Q2 / εo, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि किसी गोला के एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं तो उससे कुछ दूरी पर कोई पृष्ठ हो तो सदिश का क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है। यदि किसी गोला को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं तो कुछ दूरी पर कोई पृष्ठ हो तो सदिश का क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है। तो यानी हम जानते हैं कि यहाँ पर एंगल जो भी बनता है, यहाँ मान लेते हैं सपोर्टेड एक कोई गोला हो गया और इस गोला का कुछ ना कुछ सेंटर होता है, मान लेते हैं बीचों बीच में सेंटर है और यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है और कोई भी समांतर लाइन लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री बनता है 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है 20 मीटर क्षेत्रफल का आयतकार पृष्ठ 5 न्यूटन पर कूलम के परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो समतल ई के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो पीठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्लेट बना लेते हैं आयतकार और इस आयतकार के प्लेट पर एरिया वेक्टर हम क्या जानते हैं हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एंगल कितना बनता है 30 डिग्री बनता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर की तरफ होता है 30 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, टोटल एंगल का जो कितना होता है 90, और 90 में से 30 को घटा देंगे कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो यानी थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। अब फार्मूला जानते हैं फाई बराबर क्या होता है ए डॉट डी ए होता है ना जी, यानी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ई का मान कितना दिया है, ई का मान दिया है 5, तो 5 पुट करेंगे और डी एस का मान दिया है 20। अब यहाँ पर कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर 100/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर² / कूलम, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यदि किसी गोला पर क्यू आवेश दिया जाता है तो उस गोला के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि किसी गोला पर हम क्यू चार्ज दे देते हैं तो उस गोला से मान लेते हैं यहाँ पर कोई गोला हो गया और इस गोला के सतह पर क्यू चार्ज दे दिए तो इस बंद पृष्ठ के सतह इस क्लोज सर्फेस के अंदर कितना फ्लक्स गुजरेगा तो वो फ्लक्स का मान क्या होता है। तो हम जानते हैं कि गुजरने वाला फ्लक्स 1/εo गुना होता है और इसमें क्यू से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा Q/εo गुना, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक यानी ई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, यानी विद्युत फ्लक्स फाई बराबर जानते हैं, यानी फाई बराबर हम जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या होता है ई डॉट डी ए। ई डॉट यहाँ पर न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम में यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एस, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा इसको ऊपर भेजेगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम इनवर्स -1। तो यानी ऑप्शन में आपका दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, वोल्ट मीटर, जूल मीटर पर कूलम, सभी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पर सभी होगा, क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर, जूल मीटर पर कूलम, सभी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यदि कोई विद्युत बल रेखाएं किसी तल से बाहर निकलती है तो उसका फ्लक्स का मान क्या होता है। यदि कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स
किसी तल से बाहर के तरफ निकलती है तो उसका जो वैल्यू होता है वो धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज से होल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स निकल रही है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स निकल रही है। तो यहाँ पर इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स बाहर के दिशाओं में जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स पास करती है तो उसका वैल्यू धनात्मक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब अगला क्वेश्चन है यदि कोई विद्युत बल रेखाएं किसी तल के अंदर के तरफ जाती है तो कुल फ्लक्स का मान क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज से अंदर के तरफ यानी इन वार्ड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्सेस जा रही है तो इसका मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वाई की विद्युतशीलता होती है, वाई के विद्युतशीलता होता है 8.85 × 10^-12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो घन के केंद्र से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई घन बना लेते हैं, ये क्या हो गया, एक कोई घन हो गया और इस घन के केंद्र पर हम यानी केंद्र सेंटर को क्या बोलते हैं, केंद्र, इस केंद्र पर हम क्यू चार्ज दे देते हैं तो घन में हम जानते हैं कि साइड के यानी गो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम फॉर्म यानी गॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर घन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं, तो यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट, तो यानी ऑप्शन में कितना दिया है, बी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक समान आवेशित अनंत संदक चादर पर गाउसीय पृष्ठ की रचना करने पर उसका आकार कैसे प्राप्त होता है। यदि किसी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट फ्लक्स शीट पे उसका रचना करने पर कैसे प्राप्त होता है, यदि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर पर गाउसीय पृष्ठ करने पर इसका आकार कैसे प्राप्त होता है, गोलाकार होता है, कैसे प्राप्त होता है, गोलाकार। यहाँ पर हम दिखा चुके थे, यहाँ पर कोई एक सामने कोई प्लेट लेते थे और इस प्लेट के अंदर ए यूनिफॉर्म लाइन ये इलेक्ट्रिक लाइन्स पास करा देते थे तो यहाँ पर जो ये साइड बनता था ये बेलनकार बनता था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, तो बेलनकार होगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, यानी हम प्रूफ करा चुके थे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का मान होता है E बराबर म्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, यानी लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर यानी ऑप्शन है यहाँ पर ए बी ई बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बट आर, ई बराबर 2 के लेमडा आर और सी नंबर दोनों है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हम प्रूफ करा चुके थे यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी दोनों हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक समान अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक समान अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण ऑप्शन नंबर ए में दिया है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आर स्क्वायर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आर क्यू और नॉन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि हम फार्मूला ई बराबर पढ़ते हैं K Q 2 K Q बटा आर यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, आर के, 1 बटा आर के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, तो हम फार्मूला जानते हैं ई बराबर कितना होता है, 2 के लेमडा बटा आर। अब देखिए यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, किसका है, 1 बटा आर के। अब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, R-1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, तो बी को हम टिक आउट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, खोखला गोला के बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। खोखला गोला के बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, E बाहर बराबर KQ बटा R स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, E बाहर बराबर KQ बटा R स्क्वायर। मान लेते हैं यहाँ पर कोई खोखला गोला लेते थे और इस खोखला गोला पर क्यू चार्ज दे देते थे तो इसके बाहर पूछ रहे थे यहाँ पर सेंटर से, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लेट को रख देते थे, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो KQ बटा R स्क्वायर होता है। अब अगला क्वेश्चन है,
खोखला गोला के बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? खोखला गोला के बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? यानी हम जान चुके हैं ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वन बटा आर स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कितना टच कर रहा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बटा आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, खोखला गोला के बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है। खोखला गोला के बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, तो यानी खोखला गोला के हम फॉर्मूला जानते हैं ई बराबर के क्यू बटा आर। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर, अब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पर प्लस में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर माइनस टू। तो ऑप्शन में कितना दिया है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस टू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है खोखला गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। खोखला गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई खोखला गोला बनाते हैं, इस खोखला गोला पर क्यू चार्ज देते हैं, तो इस खोखला गोला के सतह पर चारों तरफ क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लेकिन इसके अंदर वाले पार्ट्स में कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होने के कारण इस खोखला गोला के अंदर वाले पार्ट्स में विद्युत आवेश के मान शून्य के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई अंदर बराबर जीरो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है। दोस्तों विद्युत क्षेत्रफल पर दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स यह विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल दोनों विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल दोनों नॉन ऑफ दिस, यानी यह विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया पर डिपेंड करता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फाई यानी फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों पर डिपेंड करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी।